नमस्कार दोस्तों, ये एक लेडी का पाम है और पहली नज़र में ये पाम रेक्टेंगल है। जब रेक्टेंगल पाम होता है तो व्यक्ति ज़्यादातर अपना कार्य बोलकर करता है, अपने सभी कार्य बोलकर पूरा करने की कोशिश करता है। पर ये एक स्त्री का हाथ है तो उनको मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ती है। हर स्त्री मेहनती तो होती ही है, पर ऐसे पाम वाले व्यक्ति बोलने की कला में अच्छी खासी महारत होती है। इनका अंगूठा देखिए, इस पाम का काफ़ी बड़ा है और नुकीला भी है। फर्स्ट पोर, जब फर्स्ट पोर नुकीला होता है तो व्यक्ति अपने ध्येय के लिए काफ़ी मजबूत होता है। वो किसी भी तरह अपना जीवन में अपना ध्येय पूरा कर कर छोड़ता है, इस तरह का व्यक्तित्व होता है। बहुत रेयर साइन है इस तरह के नुकीली अंगूठे की, और इनका बैंड भी हो रहा है थोड़ा सा, तो ऐसे लोगों की मित्रता भी बहुत इजीली किसी से भी होती है। हाँ, इनका बहुत सारा समय मित्रता में भी वेस्ट होता है, ऐसा भी देखा गया है। अब चलते हैं इनकी उंगली की ओर। फर्स्ट उंगली शनि पर्वत की उंगली की ओर थोड़ी सी बैंड हो रही है, तो धार्मिक भावना भी इनमें अच्छी खासी होगी। और उंगलियां भी काफ़ी लंबी है इस पाम की, तो ऐसे लोग एनालिटिक भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि फर्स्ट फैलेंज भी बहुत बड़े तो नहीं है पर फिर भी बड़े हैं, तो बाल की खाल निकालने में ऐसे लोग अच्छे खासे एक्सपर्ट होते हैं। यानी कोई चीज़ इनके सामने आई एनालिसिस करने के लिए तो उसका अच्छा खासा प्लस माइनस निकाल लेंगे। अब चलते हैं इनकी छोटी उंगली की ओर। छोटी उंगली काफ़ी छोटी है। अब ये एक माइनस पॉइंट है इनके लिए। ऐसी उंगली वाला व्यक्ति चीज़ों को व्यवस्थित रखने में, डॉक्यूमेंटेशन संभाल कर रखने में, याद शक्ति में ऐसे लोग थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। कभी कभी डॉक्यूमेंट ढूंढने में ही इनके अच्छे खासे दिन निकल जाते हैं या अच्छा खासा समय निकल जाता है। ये इस तरह का माइनस पॉइंट इस तरह की उंगली वालों के साथ होता है। और कभी कभी ये उंगली कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अभी नहीं कल कर देंगे, परसों कर देंगे, इस तरह का नेचर भी ऐसी उंगली वालों का होता है। अब इनकी पर्वतों की ओर देखते हैं। बुध पर्वत कोई प्रॉब्लम नहीं, और एक बढ़िया सी रेखा इस पर चल रही है, और एक स्क्वायर की साइन है यहाँ पर। जब स्क्वायर की साइन यहाँ पर होती है तो व्यक्ति का हर परिस्थिति में उसका बचाव होता है, एक तरह का रक्षा कवच है। बुध पर्वत पर अगर आपके स्क्वायर बन रहा है तो एक तरह का ये रक्षा कवच है। और बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है तो बोलने की कला में भी महारत हासिल होती है, बिजनेस माइंडेड भी व्यक्ति होता है। अब इनके सूर्य पर्वत पर, सूर्य पर्वत पर कोई खास निशान नहीं हो रहे, पर ये इस तरह की जब कोई फॉर्मेशन बनती है तो व्यक्ति देखा गया मल्टी टैलेंटेड होता है, पर अपने टैलेंट को एक जगह यूज़ करने में ऐसे व्यक्तियों को तकलीफ आती है। काफ़ी सारे टैलेंट ऐसे व्यक्ति में पाए जाते हैं पर एक जगह व्यक्ति अपना टैलेंट यूज़ नहीं कर पाता। और कोई भी सूर्य रेखा को जब इस तरह से रेखा काटती है तो जनरली देखा गया है पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं होते, प्लस या व्यक्ति को पिता से दूर रहना पड़ता है, इस तरह के अवसर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। अब चलते हैं इनके शनि माउंट पर। शनि माउंट यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ है, बाकी शनि माउंट इतना भी कोई
प्रॉब्लमदायक नहीं है, व्यवस्थित दबा हो तो तकलीफ देता है, ये फ्लैट है, फ्लैट सनी माउंट इतनी तकलीफ नहीं देता, और उस पर दो रिसीविंग एंटेना भी है, और यहाँ पर चलने वाली एक अच्छी खासी फेट लाइन भी है, ये गुरु की ओर जा रही है, यानी इनके जीवन में पैसे अच्छे खासे आएंगे, क्योंकि दो रिसीवर एंटेना भी है और एक गुरु पर जाती हुई फेट लाइन भी है, यानी इनका बुढ़ापा अच्छा खासा गुजरेगा, और ऐसे लोग अपने लास्ट वाले जीवन, लास्ट वाले पड़ाव में सामाजिक कार्यों में या धार्मिक कार्यों में भी अच्छा खासा पैसा खर्च करते, जिनकी फेट लाइन बुढ़ापे के अंदर अच्छी होती हो। तो शनि पर्वत अच्छा खासा फल इनको दे रहा है। अब चलते हैं इन गुरु माउंट पर। गुरु माउंट पर मुझे यहाँ पर एक स्क्वायर बनते दिख रहा है। जब इस तरह का स्क्वायर होता है तो व्यक्ति कितनी भी गरीब परिस्थिति में पैदा हुआ हो वो अच्छी जगह पर पहुंच ही जाता है, और 32 साल के पहले खुद का घर लेता है, और 36 साल के बाद अथॉरिटी पोजीशन पर व्यक्ति पहुंचता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और ऐसे लोगों को जिसका बड़ा स्क्वायर होता है, बोलने की कला में भी माहिर होते, प्लस उनको घर भी बड़ा रहने को मिलता है, इस तरह के सब लाभ ये स्क्वायर पर्वत दिलाता है, और इनके हॉरिजॉन्टल रेखाएं भी है इनके पाम पर, तो मल्टीपल इनकम के स्रोत सॉरी इनके पास अच्छे खासे आते रहेंगे जीवन में। अब चलते हैं इनके अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल ऐसे तो देखा जाए तो काफ़ी कहीं से उभरा है, कहीं से दबा हुआ है, पर उस पर चलने वाली बहुत सारी आड़ी रेखाएं ये चिंतित करती है व्यक्ति को। शरीर में एनर्जी तो रहेगी मध्यम ग्रेड की, पर जब आड़ी रेखाएं अंदरूनी मंगल पर रहती है तो व्यक्ति चिंतित रहता है, भविष्य की चिंता उसको काफ़ी सताती है, परिवार की चिंता सताती है, हर तरह की चिंता उसके मन में घूमते रहती है। कितना भी अच्छा खासा अमीर बन जाए पर ऐसे लोग चिंतित हमेशा रहते हैं। इनका अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत, तो जो पर्सनालिटी होगी वो मित्रता वाली होगी, यानी एकदम अच्छी रीत से सामने वाले से मिलते होंगे, जब मिलते होंगे एग्रेसिवली मिलते होंगे, इस तरह की पर्सनालिटी होगी, और ऐसे लोग हिम्मती भी अच्छे खासे होते, कैसी भी परिस्थिति में लड़ने की ताकत इनके पास रहती है, ये इतना अच्छा मंगल है। अब चलते हैं इनके चंद्र की ओर। चंद्र में मुझे कोई दोष नहीं दिख रहा, कंप्लीट बढ़िया सा चंद्र है, और ट्रैवल लाइन ये भी इस पर बनी हुई है, तो ये अच्छी साइन है। और एक साइन जो यहाँ पर मुझे दिख रही है, जो ज़्यादातर फॉरेन सेटलमेंट कराती है, वो है ये। अब इनके पाम पर जिस तरह का एक और साइन बन रही है उससे ये साइन मैच नहीं खा रही है। अब ये फॉरेन सेटलमेंट दिखा रही है यहाँ पर, अगर यहाँ पर कहीं पे ब्रेक होगा तो ठीक है, अगर ये लाइन कंप्लीट है तो ये लाइन फॉरेन सेटलमेंट व्यक्ति का कराती है, पर इनकी फेट लाइन पूरी गवर्नमेंट के लाभ दिखा रही है, तो दोनों मैच नहीं हो रहे, पर यहाँ लगभग ये लाइन ब्रेक होगी। हाँ, इनके फॉरेन के आने जाने के मौके इनको जीवन में अच्छे खासे मिलते रहेंगे, क्योंकि इनकी जीवन रेखा से एक लाइन बाहर निकलती है, ऐसे लोगों के बहुत बार फॉरेन में लंबा स्टे भी हो जाता है, पर पिछले जीवन में होगा, यानी बुढ़ापे के आसपास इनको ये इस तरह के मौके इनके जीवन में आएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत नीचे रेखा है
पर इनको विदेश जाने के मौके अच्छे मिलेंगे। अब सबसे बुरी चीज अगर इनके हाथ में ग्रहों में है तो इनका शुक्र पर्वत। बहुत सारी रेखा है, बहुत सारी अड़चनें इनके जीवन में आती होगी, इनको रिकग्निशन नहीं मिलता होगा इनके कार्य का, पाम का कलर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर ये शुक्र पर्वत इस तरह का अगर है तो ये बहुत माइनस पॉइंट है। एक तरह का काल सर्प जैसा दोष कहा जाता है। इसकी पूजा ये करा सकते हैं त्र्यंबकेश्वर में जाकर, बहुत सस्ते में होती है, साल में 4 बार भी कराएंगे तो चलेगा, जब तक ये रेखाएं नहीं निकलती। और एक दो रत्न भी है, ये पहनकर इस दोष को ये दूर कर सकते हैं। ये इनको रिकॉग्निशन, इनके कार्य को और दुनिया भर की अड़चनें ऐसे व्यक्ति के जीवन में आती है। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है पाम पर, जब इस तरह की रेखाएं शुक्र पर्वत पर होती है। तो अब चलते हैं इनके हृदय रेखा पर। हृदय रेखा गुरु पर्वत से निकलकर सीधी जा रही है। जब गुरु पर्वत से कोई रेखा निकलती है तो व्यक्ति बहुत आदर्शवादी होता है। जीवन में कुछ बचपन से ऐसे नियम बना लिए रहते हैं कि जीवन इसी तरह जीना, इस तरह की मानसिकता रहती है। बहुत बार ये मानसिकता फायदा देती है, बहुत बार नुकसान देती है। पर इस पाम पर एक सबसे अच्छी साइन है, ये फ्लर्ट रेखा है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति फ्लर्ट ही करते रहता है। ये रेखाएं व्यक्ति को खुश रखती है। कितना भी दुख हो, व्यक्ति 5 से 10 मिनट दुखी रहेगा, उसके बाद खुशी के पल ढूंढने की कोशिश करता है और खुश रहने की कोशिश करता है। ये रेखा इतना अच्छा बेनिफिट दिलाती है। व्यक्ति के हाथ पर हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा खुश रहता है, रहती है। बहुत छोटी रेखा है पर जीवन में जादू का खेल करती है ये। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन को समझते हैं। और बाकी की इनकी जो हार्ट लाइन है वो स्त्रियों की होती है उसी तरह की है, क्योंकि इनके पास जिम्मेदारियां काफ़ी होती है। तो इस तरह की हार्ट लाइन का हाथ पर होने का मतलब कॉमन है। अब चलते हैं इनकी माइंड लाइन पर। माइंड लाइन पर इनकी चल रही है माइंड लाइन, एक शाखा यहाँ से निकली और एक शाखा यहाँ से, और यहाँ से निकल कर ये आगे बढ़ी और सीधी चली आगे। जब इस तरह की माइंड लाइन होती है, उसका अगर कनेक्शन मंगल से हो कोई भी माइंड लाइन का, तो व्यक्ति प्लानिंग बहुत करता है जीवन में, कागज पर या दिमाग पर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का समय आता है तो कुछ भी नहीं कर पाता। यानी मुश्किल से अगर 100% उसने प्लान किए हो तो 99.99.99.99% वो केवल दिमाग पर रहता प्लान या कागज पर रहता है, पर इनके प्लान अच्छे खासे जीवन भर चलते रहते। ये एक माइनस पॉइंट ऐसी माइंड लाइन का होता है। और इस पार्ट में थोड़ा सा दबाव दिख रहा है मुझे माइंड लाइन पर। ये उम्र लगभग 32 से लेके 36 तक के पार्ट में, इस पार्ट में कोई ना कोई टेंशन या बोझ इनके जीवन पे रहा होगा। और उसके बाद ये माइंड लाइन काफी स्ट्रेट चलकर नीचे जा रही और एक शाखा उसकी ऊपर जा रही है। तो ये थोड़े से भावात्मक सोचने वाले व्यक्ति भी होंगे और इमेजिनेशन इनका अच्छा खासा होगा, क्योंकि माइंड लाइन नीचे जा रही है पर एक पार्ट में ये माइंड लाइन वेवी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे डिस्टरबेंस दिख रहा है। अब चलते इनकी जीवन रेखा।
जीवन रेखा इनकी दो से तीन भाषाएं बोल रही है। पहली भाषा तो शुरुआती जीवन संघर्ष में दिख रहा है, और उसके बाद ये पार्ट हल्का सा है, यानी जब रेखा जीवन रेखा पतली होती है तो व्यक्ति को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है सफल होने के लिए, और उसके बाद सीधा एक ऑफशूट है और दूसरा ऑफशूट, और यहाँ पर ही एक अच्छी खासी राहु रेखा ने काटा हुआ है। ये जीवन में 35 के आसपास इनको कोई ना कोई भारी सफलता दिलाएगी और उसका मुख गुरु की ओर है, तो उसका संकेत इनके फेट लाइन पर भी दिख रहा है, और एक सफलता उसके दो तीन साल के अंदर इनके जीवन में तीन चार साल में मिलेगी दूसरी सफलता, पर उसी पीरियड में उस सफलता के पहले एक राहु रेखा काट रही है और उसके बाद ये रेखा जो है ये काट नहीं रही है, केवल टच कर रही है। उसके बाद जीवन में लगभग 40 के आसपास और एक रेखा काट रही है, 40 या 45 46 के आसपास काट रही है, और उसके बाद और एक छोटी सी रेखा राहु रेखा काट रही है, तो 50 के आसपास। पर उसके बाद इनका जीवन पूरा चेंज होकर पूरा शिफ्ट हो जाएगा और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर रेखा में कोई कटाव नहीं है, यानी ये उम्र में इनको तीन से साढ़े तीन कोई भारी टेंस वाले पीरियड इनके जीवन में आएंगे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, इस तरह की तकलीफें इनकी जीवन रेखा पर दिख रही है। बहुत बार हॉस्पिटलाइजेशन भी होना पड़ता है इस राहु रेखाओं से, बहुत बार कोई टेंस आता है जीवन में, पर इसी पीरियड में दो सफलताएं भी इनके जीवन में दिख रही है। जब इस तरह के ऑफशूट जाते तो व्यक्ति बहुत बार मकान तक खरीदता है अच्छा खासा, और कोई अच्छी सफलता भी जीवन में मिलती है। और जब ये पीरियड आएगा लगभग 55 के आसपास का, तो इनका जीवन पूरा चेंज होना शुरू होगा और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। जब जीवन रेखा से कोई शाखा निकल के दूसरी जगह टच करके तो वो दूसरी जीवन रेखा बन जाती है, और उस पीरियड में पॉजिटिव बदलाव होता है व्यक्ति के, और इनके काफ़ी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो अच्छा खासा पॉजिटिव बदलाव होगा। इस शिफ्टिंग के अंदर एक छोटा सा ऑपरेशन भी नहीं होता, किसी को कुछ खरोच भी नहीं आती, लोग घबराते हैं उनकी जीवन रेखा देखकर, पर व्यक्ति को एक खरोच तक नहीं आती उसके जीवन में। हाँ, ये पीरियड बदलाव का रहता है, जो बदलाव होते वो व्यक्ति उसको महसूस करता है उस 5-7 सालों में, बस इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलते इनकी फेट लाइन को देखते हैं। इनकी फेट लाइन भी इनके संघर्ष को दिखा रही है, यहाँ से शुरू हुई और मुंह इधर जा रहा है, तो जब इस तरह से जाता है तो व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, और यहाँ से टुकड़ों टुकड़ों में आगे बढ़ रही है। इनकी फेट लाइन है कंटिन्यू, पर टुकड़ों टुकड़ों में आगे बढ़ रही है, और इसी फेट लाइन को काटने वाली रेखाएं शुरुआत से ही चल रही है, यानी उम्र ये तो बचपन वाला पीरियड होगा लगभग 18-19 साल का फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला उम्र होगा 26-27 का, और ये होगा उम्र 30 के आसपास, 30-31 के आसपास कोई ना कोई आर्थिक कष्ट इनको झेलना पड़ा होगा, पर उसके बाद यहाँ पर ये रेखा 35 के आसपास से ये एक रेखा निकल रही है जो नॉन स्टॉप चल रही है बिना ब्रेक के, और सीधा गुरु पर्वत की ओर देख रही है।
ये नॉन स्टॉप जाकर सीधा गुरु पर्वत की ओर देख रहे। जब इस तरह की रेखा बनती है व्यक्ति की और गुरु पर्वत की ओर जाती है तो चांसेस है गवर्नमेंट जॉब लगने का, या व्यक्ति कोई ना कोई गवर्नमेंट सप्लाई का बिजनेस करे। इनका पाम बहुत गुलाबी है, अच्छा खासा, हो सकता है ये गवर्नमेंट जॉब के बदले कोई गवर्नमेंट सप्लाई का भी काम या बिजनेस शुरू करे। दो में से कोई भी एक काम इनके जीवन में होगा, ये 100% इनको गवर्नमेंट जॉब दिलाने की साइन है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस सप्लाई करना या उस तरह का कार्य कर सकते। इनके जीवन में आफ्टर 35 एक स्थिरता आती दिख रही है। हाँ, उसके बाद केवल एक हृदय रेखा से एक रेखा आ रही है और इनकी फेट लाइन को काट रही है, पर ये हृदय रेखा से आ रही है तो हो सकता है इस पीरियड में ये कोई बड़ा मकान लेने की या कोई परिवार के लिए बड़ा खर्च करने की इनकी इच्छा पूरी हो। ये लगभग पूरी होगी 46-47 के आसपास। तो ये पीरियड में इनके द्वारा कोई बड़ा खर्च होगा, कोई नुकसान दिख नहीं रहा है, कोई आर्थिक कष्ट नहीं दिख रहा है। ये मुझे हृदय रेखा से जब कोई रेखा काटती है तो व्यक्ति को कोई परिवार के लिए बड़ा एक्सपेंस करता है, और ज़्यादातर देखा गया इतना बड़ा कट जब होता है तो बहुत बड़ा मकान व्यक्ति लेता है। इस तरह का कार्य होते व्यक्ति के जीवन में मैंने बहुतों के हाथ पर देखा है। और उसके बाद इनका 35 के बाद इनका जीवन पूरा चेंज हो जाएगा, इनके जीवन में अच्छी खासी खुशहाली आएगी ऐसा लग रहा है। हाँ, ये राहु रेखा है, जब काटेगी तब कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट इनको झेलना पड़ सकता है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। हाँ, इनको कालशब की पूजा और एक रत्न अगर ये पहन ले तो इनका जीवन धीरे धीरे बहुत अच्छा हो सकता है। जो इनको रुकावटें आती है वो अच्छा खासा सॉल्व हो सकता है। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।